दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां स्थापित मूर्ति बातें करती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस मंदिर में बातें करने वाली मूर्तियों पर कई शोध हुए पर नतीजा कुछ भी हाथ नहीं लगा। बाद में वैज्ञानिकों ने यह भी मान लिया कि हाँ, यहां पर कुछ न कुछ अजीब घटित होता है जिससे कि यहां पर आवाजें आती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में और आज हम आपको जानकारी देंगे बिहार में स्थित राजराजेश्वरी मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसे वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम जिस प्रसिद्ध व चमत्कारी मंदिर की बात कर रहे हैं वो मंदिर बिहार के बक्सर में स्थित राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर तंत्र साधना के लिए जाना जाता है। यहाँ साधना करने वाले हर साधकों की हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। देर रात तक साधक इस मंदिर में साधना में लीन रहते हैं। मंदिर में प्रधान देवी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है। उनके अलावा यहाँ 10 महाविद्या काली, त्रिपुर भैरवी, घूमावती, तारा, छिन्नमस्ता, सोडसी, मातंगी, कमला, उग्रतारा, भुवनेश्वरी की मूर्तियां भी स्थापित है। 10 महाविद्याओं के अलावा माँ बगलामुखी, दत्तात्रेय भैरव, बटुक भैरव, अन्नपूर्णा भैरव, काल भैरव व मातंगी भैरव की प्रतिमा स्थापित की गई है। तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर की स्थापना भवानी मिश्र नामक तांत्रिक ने लगभग 400 साल पहले की थी। उसके बाद से ही मंदिर की पूजा आरती का जिम्मा तांत्रिक के परिवार के सदस्य ही संभालते हैं। यहाँ माता की प्राण प्रतिष्ठा तंत्र साधना से की गई है। तांत्रिकों की आस्था इस मंदिर के प्रति अटूट है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ देवियां रात को बातें करती है। आपस में होने वाला इनका ये वार्तालाप कई बार हंसी और ठहाकों में भी बदल जाता है। आज के युग में भी ये बातें कुछ अजीब लगती है, लेकिन ये रिसर्च है। मंदिर के नजदीक से रात में जो भी व्यक्ति निकलता है वो उनकी आवाजों को आसानी से सुन सकता है। कई बार लोगों ने मंदिर से आने वाली हंसी की आवाजें भी सुनी है, जिसके संबंध में कहा जाता है कि देवियां यहां पर आपस में बातें करती है। हालांकि इस रहस्य को जानने वाले और आवाज सुनने वालों ने मंदिर के अंदर जाकर भी देखा तो किसी भी तरह की कोई परछाई तक महसूस नहीं की और जब बाहर आए तो फिर से उसी आवाज ने लोगों को चौंकाया। हालांकि इससे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ये आवाजें बिल्कुल वैसी होती है जैसी इंसानों की आवाजें आपस में बातें करने पर आती है। वैज्ञानिकों की माने तो ये कोई वहम नहीं है। इस मंदिर के परिसर में कुछ शब्द गूंजते रहते हैं। वैज्ञानिकों की टीम ने यहाँ रिसर्च करने के बाद बताया कि यहाँ पर शब्द लगातार भ्रमण करते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी मान लिया कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब घटित होता है जिससे कि यहाँ पर आवाजें आती है। दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस मंदिर में आने वाली आवाजों के बारे में? क्या यहाँ स्थापित मूर्तियां आपस में बातें करती है या सिर्फ मात्र एक ये भ्रम है या कुछ और? अपने सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उन सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।